उनके जो श्यामा श्याम जो हैं वो तो नित्य किशोर अजन्मे हैं, वो अतीत की किसी स्मृति में नहीं, नित्य किशोर हैं और अजन्मे हैं, लीला कालातीत है और वो अभी भी चल रही है, नित्य विहार अभी भी चल रहा है, वो कभी हुआ था ऐसा नहीं या कभी होगा ऐसा भी नहीं, तो नित्य नित्य वर्तमान में। राधा भाव की जहाँ तक बात है, जो राधा की प्रधानता की जो बात है, क्योंकि पुरातत्व में राधा को लेकर के कुछ बहुत संदर्भ या सामग्री हमारे पास नहीं है, ये ठीक है, किंतु साहित्य में प्रचुर जो है साक्ष्य उपलब्ध है। उसका कारण ये रहा है कि राधा और कृष्ण के जो संबंध हैं उसको प्रारंभिक दौर से ही गोपनीय अवस्था में रखा गया। भागवत में भी एक विशेष गोपी कहकर के संबोधित किया गया है, नाम नहीं दिया गया। तो बाद में की परंपरा में जो गाथा सप्तसती की परंपरा है, अपभ्रंश की और जो परंपराएं हैं उनमें हमें ये नाम जो है प्रमुखता से मिलने लगता है, फिर और संस्कृत रचनाओं में भी हमें मिलता है। परंतु एक जो बड़ा उभार 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं, वो देखते हैं जयदेव, जिन्होंने एक बड़ी क्रांति के रूप में एक रचना भारतीय साहित्य की जो महान कृति है गीत गोविंद, उसमें राधा कृष्ण का जो प्रेम तत्व है उसको बहुत प्रमुखता से उभारा है और उसने बहुत गहराई से भारतीय कला और साहित्य को प्रभावित किया। उसके बाद में वो परंपरा बंगाल से होते हुए उड़ीसा, जगन्नाथ होते हुए चैतन्य महाप्रभु तक आती है। चैतन्य 1515 में वृंदावन आते हैं और उन सब स्थानों को खोजते हैं। तो राधा तत्व की जो स्थापना है उस रूप में 16वीं शताब्दी में चैतन्य और उनसे कुछ पहले, हालांकि इतिहासकारों में इसमें बहुत मतभेद भी है, विद्वानों में और अध्येताओं में, निम्बार्क की परंपरा जो प्रधान से राधा तत्व की प्रधानता का अनुभव करते हैं, ये परंपरा शुरू होती है। हालांकि आचार्य बल्लभ मुख्य रूप से ब्रज लीला और भागवत का जो अपना रास्ता है उसी पे हैं, पर सूर और विठलनाथ जी उसमें आगे बढ़ते हैं। उन्होंने राधा की प्रतिष्ठा, अष्टछाप का तो कभी उस लाइन पे नहीं चलता ना, आचार्य बल्लभ की जो लाइन पे तो हैं, परंतु राधा को लेकर के उन्होंने काफ़ी साहित्य उस परंपरा में रचा गया है। उसके उसी दौर में सबसे बड़ा जो काम हो रहा था वो था जो है हित हरिवंश गोस्वामी जी का काम, जो राधा और कृष्ण की प्रेम की बातें अब हो रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल जो है एक तरह से एक क्रांति ला दी थी उसमें। और उन्होंने कहा था कि कृष्ण अब बाद में है, राधा पहले, इस पूरी रस दृष्टि में एक नई बात, एक नई तरह से जो पेश की वो हित हरिवंश गोस्वामी जी ने की, जिससे पूरा परिपेक्ष बदल गया। स्वामी जी स्वामी हरिदास जी ने भी इसी परंपरा को, इसी उसमें जो है नित्य विहार की बात की और उन्होंने कहा कि
उनके जो श्यामा श्याम जो हैं वो तो नित्य किशोर अजन्मे हैं, वो अतीत की किसी स्मृति में नहीं, नित्य किशोर हैं और अजन्मे हैं, लीला कालातीत है और वो अभी भी चल रही है, नित्य विहार अभी भी चल रहा है, वो कभी हुआ था ऐसा नहीं या कभी होगा ऐसा भी नहीं, तो नित्य नित्य वर्तमान में। तो इस भाव की उपासना जिसमें हरिराम व्यास भी है वो यहां वृंदावन में संभव हुई।